दोस्तों नमस्कार, द वॉइस ऑफ कुंडला में आपका हार्दिक स्वागत है। जब भी मैं अपने काम से फेड अप हो जाता हूँ तो मैं सीधा चला जाता हूँ गुजारे साहिल फार्म हाउस पे। मुझे वहाँ बहुत आनंद मिलता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बत्तख भी हैं, मछलियाँ भी हैं, उनको थोड़ा सा उनका चारा भी खिलाता हूँ, उन बत्तखों को भी खाना खिलाता हूँ और मछलियों को भी। अब मैं पहुँच चुका हूँ साहिल फार्म हाउस गुरुद्वारा में, आप देख सकते बोर्ड। अब ये जो सामने वाली बिल्डिंग है यही है साहिल फार्म हाउस, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छा कलर किया हुआ है। और अंदर जाके आपको इंशाल्लाह बत्तख भी दिखाऊंगा, मछलियाँ भी दिखाऊंगा। वो इसमें बहुत सारे आंवले के पेड़ लगे हुए हैं, अभी तो आंवलों की सीजन नहीं है, बाद में आंवलों की खेती के बारे में भी व्लॉग बनाऊंगा एक। अभी मैं आ चुका हूँ साहिल फार्म हाउस पे, आप देख सकते हैं। और ये बोर्ड लगा हुआ, अभी अंदर जा रहा हूँ। अभी गेट खोलने के लिए बुलाया मैंने किसी को, खुला हुआ क्या? अभी गेट खुल गया, अभी अंदर जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है फार्म हाउस, और ये झूला लगा हुआ है यहाँ पे, ये झूला है, झूला झूलने के लिए। यहाँ पे एक फैमिली रहता है जो इनकी देख रेख करता है, और आप झूला देख सकते हैं, ये देखो बहुत सुंदर है, हरा भरा एकदम। ये अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ पे आंवले के पेड़ लगे हुए हैं, ये आंवले लगे हुए हैं। देखो अभी तो आंवले लगने की जरूरत नहीं है, बाद में आंवलों की बहुत अच्छी खेती होती है यहाँ, आपको बाद में आंवले लगेंगे तो फिर बाद में दिखाऊंगा। ये नींबू का पेड़ लगा हुआ है, बत्तखें आप देख सकते हैं, वो बत्तखें देखो वो रही मेरी दोस्त, ये कुत्ता पाला हुआ इनका। आ जाओ, ये आ गई मेरी दोस्त, आप देखो ये आ गई, देखो एक के पीछे से चलते हैं, बहुत अच्छी है। आ जाओ पानी पी रही है अभी, देखो बत्तखें पानी पी रही हैं। अब इनको खाना भी खिलाएंगे, और पीछे की तरफ जो कुंड बना हुआ है पानी का होज, उसमें मछलियां भी हैं, लेकिन मछलियां पकड़ना प्रतिबंधित है, ज़्यादा नहीं है मछलियां, सुंदरता के लिए डाली हुई हैं यहाँ पे। और बत्तखें आ रही हैं उधर से, देखो मारती भी हैं, और ये रही देखो बत्तखें, देखो कितनी सारी हैं, देखो ये रही और बत्तख, ये रही देखो 1 2 3 4 5 6, देखो कैसे कर रही है, देखो देखो मारेंगी जैसे, 6 बत्तखें तो ये हैं। और आपको दिखाता हूँ, ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 बत्तखें हैं। चलो चलो आगे चलो, वो भी आ गई, पूरी मिल गई। अब ये पानी के कुंड के पास जाएंगी जहाँ खाना इनका इंतजार कर रहा है, देखते हैं। ये फैमिली यहाँ रहती है जो अपने फार्म हाउस की देख रेख करती है, यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं होती, ये लोग कोऑपरेटिव लोग हैं। अब देखो बत्तखें नहाने के लिए गई, देखो बहुत ऊंडा, ये हो देश में मछलियां भी हैं लेकिन पकड़ना अलाउ नहीं है, ज्यादा नहीं है, कम कम मछलियां हैं।
और ये देखो बतकें पूरी लाइन से खड़ी हैं पानी पीने के लिए। अब आ रहे हैं, तभी जाना खुलाऊं इनको मैं, अभी अंदर जाके कैसे खिलाऊं। रपटा बना हुआ है, इसमें गिर सकते भी हैं। देखो ये पानी है, ये बतके हैं, ये आंवले के पेड़ हैं। कुल मिलाकर बात है फार्म हाउस बहुत अच्छा बना हुआ है ये, और कभी आपको भी देर हो तो आओ विजिट करने के लिए। धन्यवाद।